झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और महागठबंधन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई है। और ऐसे में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। ऐसा पहली बार देखा गया है किसी राज्य में जहां पर बीजेपी जो कि ऑपरेशन लोटस चलाती है, लेकिन यहां पर तो ऑपरेशन तीर धनुष चल गया और कमल छोड़कर सब लोग तीर धनुष की तरफ आ रहे हैं। जेएमएम ने यानी कि हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है कि वो कौन कौन से नेता हैं बीजेपी के जो जेएमएम में शामिल हुए और बीजेपी ने जो मैनेजमेंट किया था, इस मैनेजमेंट का ये सबसे बड़ा लूपहोल है। मेरे साथ गणेश सम्राट जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि बीजेपी अपने ही बिछाए जाल में कैसे फंसती नजर आई है। गणेश जी देखिए, यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं, दो महिला नेत्री जो जेएमएम में शामिल हुए हैं, इसके अलावा ये कल्पना सोरेन ने ट्वीट किया है, इसके अलावा हेमंत सोरेन इसे रिट्वीट करते नजर आए हैं। बहुत ऐसे नेता हैं जो जेएमएम में शामिल हो गए, इसके पीछे क्या लग रहा है और इसका मतलब क्या होगा? बिल्कुल नया, देखिए जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि आज हमने जिन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं, कल्पना बीच में फ्रेम और कल्पना ने जो तस्वीरें डाली है, ये बता रहा है कि आने वाले झारखंड चुनाव में पहले के बनस्पत इस बार युवाओं के हाथों में भागीदारी होगी और रणनीति दोनों तरफ से एक के खिलाफ दूसरी बिसात बिछाई जाएगी। दरअसल क्या हुआ कि झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही झारखंड में हेमंत सोरेन पहले से, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, गिराना चाहती है और इसलिए हमारे पहले विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, खरीदने की कोशिश की गई, बात नहीं बनी तो मुझे झूठे मामले में जेल भेजा गया। देखिए जेल जब हेमंत सोरेन गए तो उनकी बेल के लिए कितना जो उनको मशक्कत करनी पड़ी थी, उसके बाद उनको बेल मिला। लेकिन अब जब विधानसभा का बिगुल बज गया तो झारखंड में टिकट बंटवारे की बारी आई तो बीजेपी ने, अब बीजेपी इस बार देखिए करो या मरो की रणनीति अपनाई हुई है, बिल्कुल बीजेपी ने वो तमाम प्रयास कर लिए हैं झारखंड के चुनाव में नया, जो अब से पहले बीजेपी कहीं करते हुए नहीं दिख रही थी। कॉम्प्रोमाइज जो हुआ, देखिए झारखंड में क्या हुआ कि परिवारवाद जो है वो इस बार हावी हो गया और झारखंड में इस बार बीजेपी के नेताओं ने अपनी बेटी, अपनी बहू और अपने बेटे को चुनाव के मैदान में उतारा है। तो देश में अब बीजेपी खास तौर पर यह नहीं कह सकती है कि विपक्ष के नेताओं में परिवारवाद है, झारखंड में तो कतई नहीं। और इस चुनाव में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, चुनावी जनसभा के मंच पर किसी भी बीजेपी या एनडीए उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के दौरान परिवारवाद की चर्चा नहीं कर पाएंगे, वरना भारी फजीहत और मुसीबत में पड़ जाएंगे। दरअसल हुआ यह है कि झारखंड में टिकट बंटवारा जब हुआ गठबंधन के बाद, तो ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी गई है, इनमें दर्जनों ऐसे उम्मीदवार निकल के सामने आए जो किसी ना किसी बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या मौजूदा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या मौजूदा मंत्री, माफ कीजिए, मौजूदा जो विधायक है उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के सदस्य, उनके जानने वाले लोग हैं। यही वजह है कि परिवारवाद के मामले पर झारखंड में बीजेपी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। हालांकि झारखंड में बीजेपी इस बार चुनाव जीतने के लिए हर कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रही है। झारखंड में दो दो मुख्यमंत्रियों को लगाया गया, एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री। खुद स्थानीय तौर पे कई अलग अलग जगहों से बीजेपी ने फीडबैक लिए और इस वजह से बीजेपी ने अपने संभावित जो चेहरे थे उम्मीदवारों के उनके नाम काट दिए, सिटिंग विधायकों के नाम काट दिए गए। और इस बीच पहली बार हुआ है देश भर के चुनाव आप देखिए तो कांग्रेस छोड़कर, स्थानीय दलों को छोड़कर, क्षेत्रीय दलों को छोड़ के लोग बीजेपी में जाते थे क्योंकि बीजेपी को जीत की गारंटी मानी जाती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन झारखंड में बिल्कुल विपरीत होते हुए दिखाई पड़ा। झारखंड में बीजेपी में भरोसा कम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत और कल्पना पर ज्यादा लोगों को भरोसा है। ये देखिए लुइस मरांडी की हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए ये लुइस मरांडी है, ये पूर्व मंत्री रही हुई है और ये बीजेपी में जो है बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी ने इनको काफी तवज्जो दिया था। और देखिए ये कुछ छोटा चेहरा नहीं है, साधारण हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को उन्होंने पिछले चुनाव में हरा दिया था जी। तो सोचिए कि जो व्यक्ति हेमंत एक मुख्यमंत्री को हराने की ताकत रखता है वो आखिर क्यों उसी मुख्यमंत्री के साथ जा रहा है। हेमंत इस बात को लेकर बहुत गदगद है और अब उम्मीद ये है कि ये टिकट लेकर चुनाव भी लड़ेंगी। हेमंत सोरेन इनको टिकट देने का वादा भी किए और इनको टिकट भी देंगे क्योंकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट बंटवारा होगा और इसमें
बीजेपी या दूसरे दल से आए हुए नेताओं को एडजस्ट करने की पूरी जो है प्लानिंग हेमंत सोरेन ने कर ली है। हेमंत सोरेन भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, देखिए आज सीटों बंटवारा तो हो ही चुका है, लेकिन आज आरजेडी भी बता देगी कितनी सीट उन्हें मिल रहा है, और बाकी जो 42-43 के आसपास जो जेएमएम ने अपने पास रखी उनमें से ही इन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। लेकिन कल्पना सोरेन यहाँ पर एक्स हैंडल पर ये शेयर किए, जहाँ पर इन्होंने लिखा है कि झामुमो की महिला ब्रिगेड में ये शामिल हुई है। झामुमो की महिला ब्रिगेड में लुइस मरांडी दीदी एवं बारी मुर्मू दीदी का स्वागत है। अब मैया सम्मान सभाओं में दो और साथी साथ होंगे। मैया सम्मान योजना की जब हम बात करते हैं, मैया सम्मान सभा, तो ये इस बार झारखंड का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चाहे वो कल्पना सोरेन हो या फिर हेमंत सोरेन हो, ये लोग मैया सम्मान योजना हर जगह जाकर बड़े बड़े मंच से, बड़े बड़े सभा से लोगों को संबोधित करते हैं, योजना का लाभ उन्हें देते हैं। और इस बार के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होने वाला है, और इसमें महिला ब्रिगेड में ये दोनों महिला नेता शामिल हुई है। देखिए नेहा, जिस तरीके से कल्पना ने बातें कही, हेमंत ने भी वही बातें कही, लेकिन इसके पहले जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, बिल्कुल कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवार जो 17 विधायक थे उनमें से 15 विधायकों को, सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है, और बाकी और दो विधायकों के जगह पर जो संशय है 21 उम्मीदवारों को उन्होंने चर्चा की है। 21 उम्मीदवार के नाम शामिल है कांग्रेस के, 15 सिटिंग विधायक हैं, टिकट कम कटी है, दो विधायक हैं जिसमें एक आलमगीर आलम जो है वो जेल जा चुके हैं, इसलिए उनके परिवार से किसी को सदस्य बनाया जा सकता है, और एक और सीट है वो अभी संशय में है। तो 17 विधायक कांग्रेस के झारखंड में थे, और झारखंड में 17 में से 15 विधायक मैदान में उतरने के लिए पूरी तैयार हो गए। देर रात तकरीबन 12:15 ये कांग्रेस की सूची है जो जारी की है, जिसमें एक से लेकर 21 उम्मीदवारों की सूची, और सबसे पहले नाम पर इरफान अंसारी जामताड़ा से विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, इनको अभी हेमंत सोरेन जब मंत्री बने थे, जेल से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री, तब इनको मंत्री बनाया गया, तब उस मंत्रिमंडल में इनको जगह दी गई है। बादल पत्रलेख है, इनको मंत्री बना दिया गया। प्रदीप यादव जो है इनको मंत्री बनाया गया था। दीपिका पांडे सिंह जो कांग्रेस के है, इनको जगह दिया गया, वापस फिर से मौका दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। तो ये 15 ऐसे लगातार जो विधायक है, सिटिंग विधायक, सिटिंग विधायक है, इनको जो है सीधे तौर पर उम्मीदवार बना दिया गया है। और 21 में जो बाकी जो है वो नए नाम है, तो शिल्पी नेहात्र की पूर्व विधायक है, इनको मौका दिया गया। इस तरीके से कई नाम है, बाना गुप्ता भी मंत्री है, अभी भी महागठबंधन में अच्छे तरीके से सीटों का बंटवारे नहीं हुआ है, लेकिन जेएमएम अपने खाते में से सीट अगर देगी आरजेडी को, देती भी है तो ऐसे देगी। देखिए 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, 70 में से 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, बिल्कुल अभी 70 में से 21 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान हुआ है, बाकी शेष बचे हुए हैं, और बाकी शेष की घोषणा हेमंत सोरेन करेंगे, उसके बाद कांग्रेस के लोग करेंगे। हेमंत की हम चर्चा कर रहे थे, देखिए किस तरीके से हेमंत सोरेन के साथ जो लोग आप जो है वो पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद किस तरीके से ये चर्चा की जा रही है हेमंत सोरेन को लेकर, कि सीधे तौर पे जो हेमंत है वो लगातार ट्वीट कर रहा है। और इसके पहले एक ट्वीट बेहद दिखाना जरूरी है, कुणाल हेमंत सोरेन के साथ जो कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं ये कुणाल सारंगी है, इसके पहले वो हेमंत के विरोध में खड़े थे, पूर्व विधायक हैं, लेकिन अब ये वापस आ गए हैं, पिछले चुनाव के बाद इन्होंने बगावत की थी, छोड़ दिया था साथ, फिर वापस आ रहा, अब कह रहे हैं कि अब मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, आपको मैं इतना दिन मिस किया हूं, चंद लम्हों की रात है हुकूमत की, ये बता रहे हैं, ये बीजेपी के ऊपर हमला ये कर रहे हैं कि बीजेपी की जो हुकूमत है वो चंद लम्हों की रात है, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद जो गिनती की जो दिन है वो पहले से तय कर दिया गया, और मंजिल की उस ओर सवेरा खड़ा है, और परिवर्तन तो झारखंड में होगा जो झारखंड का नारा है। इस बीच उन्होंने कहा है कि आपका ही था और रहूंगा, आपको बहुत मिस किया है हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा भैया। बिल्कुल इस तरीके के लगातार एक्स हैंडल पर पोस्ट किए जा रहे हैं, और हेमंत सोरेन फिलहाल अभी तीन ऐसे बीजेपी के नेता जिन्होंने शामिल किया है, कल्पना सोरेन ने, बीजेपी के अलावा आजसू जो है वहां पे उनके भी दो जो है नेता आए थे जिनके दम पे, और सबसे दिलचस्प बात है कि बीजेपी जिसके सहारे हेमंत को हराने की रणनीति बना रही थी वही बीजेपी के पास चला गया, बीजेपी को छोड़कर हेमंत के पास चला गया। हालांकि बीजेपी के पास अभी भी एक बड़ा कहा जाए कि एक मास्टर स्ट्रोक है कि चंपई सोरेन अभी भी उनके पास है, चंपई सोरेन का जेएमएम में एक बड़ा मजबूत वो मजबूत स्तंभ थे वो। यहाँ बीजेपी ने किसी को झारखंड में चेहरा नहीं बनाया, ये सबसे बड़ा बीजेपी की जो चाल है उसको समझिए, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है,
हेमंत सोरेन को यह लग रहा था कि चंपई को अगर बीजेपी ले रही है तो चंपई सोरेन को झारखंड के अंदर आदिवासी चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा तो शायद बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचेगा। लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति, उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे जिससे देश के अलग अलग राज्यों में लड़ते रहो। नतीजा हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ज्यादा उत्साहित भी है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी पिछड़ गई, हरियाणा में भी पिछड़ गई, तो कांग्रेस चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई और बीजेपी को जम्मू कश्मीर में भी फायदा पहुंचा ही है। तो बीजेपी को लग रहा है कि मेरा विरोध उस तरीके से नहीं है नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो मुख्यमंत्री का चेहरा हम अलग से चुन लेंगे। चेहरा जो भी होगा विधायकों के बीच से चुना जाएगा, किसी को पता नहीं होगा। इस वजह से जो है बीजेपी के अंदर गुटबाजी ना हो, इसी उम्मीद में इस तरीके के फैसले लिए गए थे कि परिवार के लोगों को एडजस्ट कर दीजिए, अगर सीनियर लोगों का टिकट काटा जा रहा है तो उनके परिवार के लोगों को एडजस्ट कर दीजिए, तो एंटी इनकम्बेंसी का जो खतरा विधायकों के ऊपर मंडरा रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो कई तरीके की रणनीति है फिलहाल, बीजेपी हर उस रणनीति को आजमाना चाहती है इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के लिए करो या मरो की सीन है। इधर हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आकर दाढ़ी और बाल नहीं कटा रहे हैं, जब तक सत्ता नहीं तब तक समझौता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स हैंडल पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। अभी बीजेपी के जो कुछ नेता हैं वो जेएमएम में शामिल हुए, तो इससे देखकर क्या लग रहा है कि थोड़ा मनोबल कमजोर हुआ है बीजेपी का? बीजेपी का मनोबल कमजोर हुआ है या नहीं हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का मनोबल जरूर बढ़ा है, बढ़ता हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अरे साफ तौर पर आपको एक्स हैंडल पर दिखाई भी देगा कि जिस तरीके से उत्साहित तौर पर अभी अभी कुछ समय पहले हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल पर पोस्ट डाला है, जहां पर वो अभी चुनावी रिजल्ट नहीं आया है, चुनावी मैदान में अभी तमाम प्रत्याशी उतरे भी नहीं है, जहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि बिरसा मुंडा के स्टैचू के साथ हेमंत सोरेन खड़े हैं, जिसका नजारा साफ तौर पर एक्स हैंडल पर दिख रहा है कि कितने उत्साहित हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। कल्पना सोरेन की यहां पर तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि कल्पना सोरेन जिस तरीके से गांडे विधानसभा सीट से जीत कराई, उपचुनाव में जीत कराई, और उसके बाद जो उन्होंने राजनीतिक तौर पर इतनी सक्रियता दिखाई है, हर जगह कल्पना सोरेन नजर आती है, ऐसा लगता नहीं इन्हें देखकर कि ये पहली बार अपने आप को राजनीति में आजमा रही है। बेहद शानदार, इन्होंने ढेर सारे सभा में अकेले जा रही है, अकेले अपने महिला जितने इनके सहयोगी हैं उनके साथ जा रही है, और जिस तरीके से लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट किया, ना केवल गांडे विधानसभा बल्कि पूरे झारखंड ने जिस तरीके से कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में एक्सेप्ट किया, उसके बाद हेमंत सोरेन आए तो दोनों ने साथ मिलकर प्रचार प्रसार किया। लेकिन इस बार के चुनाव में ये देखना होगा कि दोनों ने मिलकर झारखंड को कितना विश्वास दिला पाया कि अगली बार फिर से जब हम आएंगे तो झारखंड के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, झारखंड की हर खबर हम आपको बताएंगे। गांडे सीट पर इस बार कल्पना सोरेन अगर मैदान में उतरती हैं तो कल्पना सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने अपना पहले ही उम्मीदवार उतार दिया। इस बार महिला वर्सेस महिला की टक्कर होगी, कौन सी महिला किस पर भारी पड़ेगी, किस सीट पर कौन ज्यादा ताकतवर होगा, हर एक सीट का हाल भी बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।